मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। बच्चों आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तरी प्रदेश, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश वह राज्य है जो जनसंख्या में सबसे ज्यादा है, जनसंख्या में फर्स्ट नंबर पर है आपके इंडिया में, ठीक है। इंडिया का वह राज्य जो जनसंख्या में सबसे बड़ा है, ठीक है। और दूध के उसमें जो है ये फर्स्ट नंबर पर है। फिर आता है आपका स्थापना दिवस, ये कब मनाया जाता है, 1 नवंबर 1956 को ये स्थापना दिवस मनाता है, अपना मनाता है। राजधानी इसकी लखनऊ है, ठीक है। लेकिन लखनऊ तो है, लेकिन ये कब से है तो हम देखते हैं कि 1921 से है। उससे पहले 1858 तक तो ये आगरा थी इसकी राजधानी, 1858 तक आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही इसकी राजधानी, किसकी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और 1921 से लखनऊ है, क्या है, लखनऊ, ठीक है। दिवस 24 जनवरी, गोरैया दिवस आपकी 20 मार्च को मनाता है गोरैया दिवस। देखिए गोरैया क्या है, एक ऐसी चिड़िया है जो विलुप्त हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है। तो इन्होंने क्या सोचा कि जो है एक गोरैया दिवस रख लें, ठीक है, ताकि इस लोगों का ध्यान इसकी तरफ जाए। और गोरैया कौन सी चिड़िया, जो घरों में रहती है, हमारे छपरों में रहती थी, आज वो विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तो इसे 20 मार्च को मनाया जाता है इसका गोरैया दिवस। संभाग या मंडलों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 18 मंडल है, ठीक है, 18 मंडल है। जिलों की संख्या कितनी है, 75 है, कितनी, 75 है, कितनी है इसके जिलों की संख्या, 75। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद द्विसदनात्मक, यानी इसके दो सदन है, ठीक है। जैसे हमारे उसमें भारत में कितने वह हैं, जैसे हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, इसी तरह से, ठीक है। तो हमारे जो है यहाँ पर भी द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है। फिर आता आपका विधानसभा सदस्य 404 है, कितने, 404 है विधानसभा हमारे, कितने हैं, 404 है, 404 है। 403 तो हमारे निर्वाचित हैं, ठीक है। और एक हमारा जो है वो मनोनीत है, एक मनोनीत है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे विधान परिषद में, विधान परिषद में भी हमारे 99 तो है हमारे निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित, और प्लस एक है हमारा मनोनीत, ठीक है, एक है हमारा मनोनीत। लोकसभा सदस्य में यूपी की सीटें कितनी है, 80, किसमें, लोकसभा में, जो यहां से यूपी से चुनकर जाएंगे कितने सदस्य हैं, 80। राज्यसभा के सदस्य कितने हैं हमारे, 31, यानी 31 सदस्य हैं हमारे जो है राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, 31, ठीक है। देखिए यूपी का उच्च न्यायालय कहां पर है हमारा, यह है इलाहाबाद, कहां पर है हमारा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1866 को स्थापना, ठीक है। यहां पर न्यायाधीश कितने हैं, 160 न्यायाधीश हैं, कितने न्यायाधीश हैं, 160। तहसील यूपी में तहसील कितनी है, 342 तहसील है, मवाना सरगुना इस तरह से हमारे 342 तहसील है। नगर निगम कितने यहाँ पे, 16 है, नगर निगम कितने यहाँ पे, 16 है। नगर पालिका कितनी है, 199। नगर पंचायत कितनी है हमारी, 438। ग्राम पंचायत कितनी है, 59,075, और 75 हमारे क्या है, जिले, ठीक है। और ग्राम पंचायत कितनी है, 59,075, और जिले हमारे 75। कुल ग्राम कितने हैं, 106,774 हमारे जिले ग्राम है। यहाँ पर राजकीय भाषा क्या है हमारी, हिंदी।
देखिए पहले हिंदी थी, लेकिन हमारी दूसरी भाषा कौन सी बनी, मैंने अपनी और वीडियो में भी बता रखा है कि 1989 को जो है हमारी उर्दू दूसरी भाषा बनी। तो दो राजभाषा है हमारी यूपी की, ठीक है, हिंदी और उर्दू। राजकीय पशु क्या है हमारा, बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या है हमारा, बारहसिंगा, ठीक है। राजकीय पशु क्या है हमारा, बारहसिंगा। देखिए यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोच भी बोलते हैं इसे, ठीक है, सारस या क्रोच भी बोलते हैं। इसकी हाइट जो है काफी होती है। और राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय वृक्ष हमारा अशोक है। राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है हमारा, पलाश या टेसु। और ये कब से है, 2011 से, ठीक है, 2011 से। राजकीय चिन्ह क्या है हमारा, राजकीय चिन्ह हमारा मछली। और मछली का आपने देखा होगा, एक उसमें दो मछलियां और एक धनुष और दो गंगा, यानी कि गंगा यमुना को उसको दर्शाया गया है। और ये कब से है, 1938 से, ठीक है, 1938 से। खेल हमारा हॉकी है, खेल हमारा क्या है, हॉकी है, ठीक है, खेल हमारा हॉकी है। देखिए यहाँ पर हिंदू सबसे अधिक क्या है हमारे, हिंदू। और इसमें कितना, 79.73% यानी कि 79.73% जो है यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं। मुस्लिम कितने यहाँ पे, 19.26%, ठीक है। और ईसाई कितने यहाँ पर, 0.18%, ठीक है। सिख कितने यहाँ पर, सरदार यहाँ पर कितने हैं, 0.32% के आसपास। बौद्ध कितने हैं, बौद्ध है यहाँ पर 0.22%, ठीक है। देखिए चावल के उत्पादन में जो है ये द्वितीय स्थान रखता है, यहाँ पर 12% जो है लगभग चावल जो है पैदा होता है यूपी में। इंडिया के राज्यों में द्वितीय स्थान है चावल के मामले में यूपी का, ठीक है। सरसों तृतीय स्थान पर है जो 9.89% उत्पादन होता है। गेहूं 29% है। गन्ना 41% है, यानी कि 29% गेहूं है, 41% लगभग जो है यहाँ पे गन्ना होता है। आलू आपका 31% है। चीनी आपकी जो है 27.39% है, लेकिन ये द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है सरसों में, ठीक है, स्थान पर है। आम, आम जो है, आम में देखिए गेहूं प्रथम, ठीक है, गन्ना प्रथम, ठीक है, आलू प्रथम और चीनी में द्वितीय स्थान है। आम जो है प्रथम, यूपी प्रथम है, यूपी प्रथम है आम में, आंवले में प्रथम है, ठीक है, दूध में प्रथम है, ठीक है, इनमें जो है ये प्रथम है, ठीक है। चावल में द्वितीय, सरसों में तृतीय स्थान है राज्यों में, इंडिया के 28 राज्यों में। गेहूं 29 है, गन्ना 41 है, आलू 31% है, चीनी 27.39 है, आम जो है 23.71 है, आंवला जो है आपका इतना है, और ये जो है इनमें प्रथम है, ठीक है। चावल में और चीनी में ये द्वितीय स्थान रखता है, इनमें जो है वाकई में प्रथम है, ठीक है। सरसों में तृतीय स्थान है। देखिए कुल संचित भाग, कुल संचित, ठीक है, कुल संचित भाग यानी कि यूपी का जितने जो है जिला संचित होता है, मतलब राज्य संचित होता है, यानी कि जो कृषि भूमि है वो किस किस चीज से संचित होती है, तो सबसे अधिक जो है नलकूप से, सबसे अधिक नलकूप से है 71.5%, ठीक है, नलकूप से। द्वितीय नंबर पर नहरें आती हैं जो 18.2% है, ठीक है, जो नहरों द्वारा संचित सिंचाई की जाती है। कुओं द्वारा जो है वो 9% है, कुएं द्वारा 9% है। ताल, झील और पोखर से जो है ना 0.8 है, यानी कि बहुत कम है। और ना के बराबर क्या है, जो अन्य है, अन्य साधन है, उनके द्वारा 4% है, ठीक है। तो सबसे अधिक क्या है, नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है और दूसरे नंबर पे नहरों से की जाती है, ठीक है, कुओं से तीसरे नंबर पे, जो 9% है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें। देखिए यूपी को तीन हिस्सों में बांटा गया है,
ठीक है, यूपी को तीन हिस्सों में बांटा गया है, गंगा का विशाल मैदान, गंगा यमुना का विशाल मैदान, ठीक है, ये गंगा यमुना, गंगा यमुना, यमुना का विशाल मैदान, विशाल मैदान, ठीक है, गंगा यमुना का विशाल मैदान, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है क्या, भावर, भावर का तराई क्षेत्र, ठीक है, भावर का तराई क्षेत्र, और तराई क्षेत्र में कौन सा वो भी आता है, गोरखपुर, गोरखपुर, और यहीं पर कौन सी जाति रहती है वो, ठीक है, तो भावर का तराई क्षेत्र गोरखपुर, और गोरखपुर में देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है, सबसे, और यहीं पे थारू, थारू जनजाति रहती है, ठीक है, जो यहाँ पर काफी मात्रा में यानी सबसे बड़ी जनजाति है, और सबसे बड़ी जनजाति है और सबसे अधिक अधिक वर्षा वाला जिला यूपी के अंदर, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला क्या है, गोरखपुर है, और ये तराई क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है, ठीक है, यूपी की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो थारू जनजाति है, ठीक है। अच्छा, सबसे कम, अगर सबसे ज्यादा वाला है तो सबसे कम कहाँ पर होती है, आपकी मथुरा में, सबसे कम वर्षा मथुरा, ठीक है, जो कृष्ण नगरी है, और हाँ यहीं पर मथुरा में क्या है, ये आपका द्वारकाधीश का मंदिर है, द्वारकाधीश का मंदिर, ठीक है, द्वारकाधीश का मंदिर है यहीं पर, ठीक है। अच्छा, नंबर तीन पर आते हैं आपके, दक्षिण के पर्वत, दक्षिण के पर्वत, दक्षिण के दक्षिण के पर्वत, दक्षिण के पर्वत पठार, ठीक है, दक्षिण के पर्वत पठार। अच्छा, सबसे अधिक वन कहां पर पाए जाते हैं यूपी के, सोनभद्र जिले में, कहां, सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले में, ठीक है। ये सोनभद्र जिले में क्यों पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं, क्योंकि यह है आपका एमपी से लगा हुआ है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ जिला है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया में, इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, ठीक है, वन क्षेत्र में फर्स्ट नंबर पर है। अच्छा, ये जो भावर क्षेत्र है यहां पर क्या पाया जाता है, कंकड़, कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, जो नदियों द्वारा लाए गए हैं, और बालू मिट्टी, मिट्टी, ठीक है, यहां पर पाई जाती है बालू मिट्टी, और समतल और दलदली भूमि भी यहीं पर ही पाई जाती है, क्योंकि यहां पर क्या है, अधिक वर्षा होती है, ठीक है, तराई क्षेत्र है तो दलदली भूमि यहां पर है। अच्छा, इस तराई क्षेत्र की, ये जो आपका तराई क्षेत्र है, इसकी मुख्य फसल कौन सी है, गन्ना, गन्ना तथा धान, ठीक है, गन्ना तथा धान यहां की मुख्य फसल है, क्या है, मुख्य फसल है गन्ना और धान।
चलिए बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर मैंने बहुत छोटी वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से तैयारी करनी चाहिए आपको, ठीक है।